हेलो गाइज, वेलकम टू अचीव आईएएस। मेरा नाम है आयुष मेठी। इस वीडियो में हम 7 मार्च 2020 के द हिंदू एडिटोरियल ऐसे शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पहले आर्टिकल से वो है बैंकिंग ऑन बेलआउट्स। जिस तरीके से गवर्नमेंट ने बेलआउट प्रपोजल यस बैंक के लिए सामने प्रस्तुत किया है, काफ़ी कमेंडेबल है, काफ़ी काबिल तारीफ है, परंतु इट रेजेज सेवरल क्वेश्चन। इस पर कई प्रश्न जो है उठते हैं। पता चला, न्यूज़ में आया कि यस बैंक में केवल आप अब 50,000 रुपये ही निकाल सकते हैं। ये जो मोरेटोरियम है आरबीआई ने अनाउंस किया कि ठीक है, और उसके बाद ये पता चला कि यस बैंक में अगर आप महीने के 50,000 ही निकाल सकते हैं, इसका मतलब यस बैंक बहुत बड़ी मुश्किल में है। और अचानक से ऐसा नहीं हुआ, पिछले कुछ महीनों से यस बैंक में ट्रबल चल रहा था। उसको देखते हुए फाइनली जब प्रेशर आया तो आरबीआई ने सरकार के साथ मिलके, कल जो है निर्मला सीतारमण जी भी बोल रही थी कि उन्होंने जो है कुछ कोशिश की है यस बैंक को रिवाइव करने की, और इस कोशिश के अंतर्गत वो लाए हैं स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन दैट इंटेल्स दैट एसबीआई इन्वेस्टिंग कैपिटल टू अक्वायर अ 49% स्टेक इन द रिस्ट्रक्चर्ड प्राइवेट लेंडर। यस बैंक एक प्राइवेट कंपनी है, 49% स्टेक अब एसबीआई इसमें ले लेगा। इसके जब शेयर ले लेगा एसबीआई तो कुछ पैसा यस बैंक में जाएगा, और इस तरीके से बेल आउट पैकेज ये माना जाएगा। द लास्ट सिटी विद द बेल आउट हैज़ बीन प्रपोज्ड इज कमेंडेबल। जिस तेज़ी के साथ बेल आउट प्रपोजल अनाउंस किया गया, काफ़ी काबिल तारीफ है। गिवन दैट यस बैंक स्टॉक टम्बल 56% ऑन द बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, इस यस बैंक का जो स्टॉक है 56% तक गिर गया। और जो S&P BSE बैंकैक्स, ये 10 बैंक की एक इंडेक्स है, उसमें यस बैंक का भी स्टॉक है। तो यस एक बैंक का स्टॉक गिरा तो ओवरऑल पूरी इंडेक्स का जो स्टॉक है वो गिर गया। तो BSE बैंकैक्स, ये आपको याद रखना है, 10 बैंक का ये जो है स्टॉक है। तो बेसिकली इस तरीके से हमको पता चल जाता है कि किस तरीके से बैंक अगर कोई डूबता है तो फाइनेंशियल सिस्टम पे किस तरीके का प्रभाव पड़ता है। However, the decision to suspend normal business operations raises several worrying questions. RBI ने कहा कि ये नॉर्मल जो बिजनेस ऑपरेशन है उनको सस्पेंड कर देंगे। इस पर प्रश्न उठते हैं, क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि बैंकिंग सेक्टर की क्या हेल्थ इतनी भी सही नहीं है कि वो डे टू डे ऑपरेशन कर सके? क्या यहाँ पे रेगुलेटर्स ने ढंग से ध्यान नहीं दिया? यस बैंक ट्रबल्स आर नॉट एग्जैक्टली न्यू। यस बैंक की जो मुसीबतें हैं वो नई नहीं है और यूनिक नहीं है। इट्स प्रॉब्लम्स विद माउंटिंग बैड एंड डोजी लोन्स रिफ्लेक्ट द अंडरलाइंग वूज इन द बोरोवर इंडस्ट्रीज। महीनों से देखा जा रहा था कि यस बैंक की बैलेंस शीट बिगड़ रही थी और NPA बढ़ रहे थे। लोग कॉरपोरेट सेक्टर कंपनीज यस बैंक से लोन तो ले रही थी लेकिन लोन समय पर चुका नहीं रही थी। इस वजह से इकोनॉमी भी स्लो डाउन से जूझ रही थी, तो कंपनियों ने, बोरोवर्स ने पैसा चुकाया नहीं। ये यस बैंक से रियल इस्टेट कंपनियां भी ले रखी थी, पावर कंपनियां भी ले रखी थी, NBFC कंपनीज भी यस बैंक से लोन ले रखा था, कोई भी नहीं चुका पाई। और इस तरीके से जो है यहाँ पे बैड लोन बनते गए। द कंटिन्यूड लाइबिलिटी ऑफ सेवरल कॉर्पोरेट्स टू रिपे देयर लोन्स, इनएबिलिटी, जो अयोग्यता हुई सेवरल कॉर्पोरेट्स की जो फेल हुए वो अपने लोन चुकाने में, इसका परिणाम ये हुआ कि लैंडिंग अप इन इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, ये इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में वो चले गए, जिसमें अब लेंडर्स को काफ़ी ज़्यादा हिट मिला है। भाई इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में क्या होता है कि भाई मैं दिवालिया हो गया, मैंने 10 लाख का लोन लिया और मान लो किसी कंपनी ने 50 लाख का लोन लिया और कह दे कि भाई हमने दिवालिया हो गए। तो दिवालिया में क्या होता है कि जितना पैसा वसूल सकते हो उतना तो पैसा वसूल लो, और मान लो अगर 50 लाख में से केवल 10 लाख ही है, 5 लाख ही है, तो कुछ भी नहीं कर सकता लेंडर यानी कि यस बैंक। तो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में जाने का मतलब है कि गया पैसा, जितना आए उतना वसूल लो। तो यहाँ पे जो लेंडर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हार्डेस्ट हिट मिला है यस बैंक, विच इज़ येट टू रिपोर्ट थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल्स। थर्ड क्वार्टर की अपनी जो फाइनेंशियल है वो रिपोर्ट करनी बाकी थी इसकी। तो उसमें देखा गया अभी तक कि अप्रैल से सितंबर तक 6 मंथ पीरियड अगर हम देखें तो इसके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़े हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो होते हैं जिनका 90 महीने से जो है ब्याज या फिर प्रिंसिपल चुकाया नहीं गया, और इस वजह से यस बैंक ने अपनी बैलेंस शीट को हरा भरा दिखाने की कोशिश करते हुए कैपिटल भी रेज करने की कोशिश की। स्लो डाउन से जूझ रही है हमारी अर्थव्यवस्था, और जिस तरीके से बैंक का बर्डन है बैड लोन्स का,
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो चांसेस हैं, जो समय है, वो भी हमारे पास लिमिटेड है, क्योंकि स्लो डाउन भी तो है ना भाई। इकोनॉमी अगर तेज़ी से चलती तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी कुछ सोचती, और फिर जो है भाई जब सब कुछ सही चल रहा होता है तब तो बुरी चीज़ भी होती है, उसको सही में तब्दील किया जा सकता है। पर जब इकोनॉमी स्लो डाउन में है, वायरस चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो इसमें जो है लिमिटेड होते हैं अपने पास ऑप्शंस। द फैक्ट दैट लैंडर एंडेड अप एट रेजोल्यूशन स्टेज विदाउट इवर बीइंग प्लेस्ड अंडर द सेंट्रल बैंक्स कॉम्प्रॉप्ट करप्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, RBI का प्रॉम्प्ट करप्टिव एक्शन फ्रेमवर्क है, जिसके अंतर्गत किसी भी अगर ऐसे बैंक में मुसीबत आ जाती है, या फिर किसी भी ऐसा लगता है कि इसके NPAs बढ़ रहे हैं, तो उस बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के तहत डाला जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि कितना लोन वगैरह इन्होंने इकट्ठा किया, कितना जो है ये कर रहे हैं। तो बेसिकली एक एक्शन भी एक फ्रेमवर्क होता है कि किस तरीके से बैंक को रिवाइव किया जाए, हालांकि इसकी कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक की प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क के अंदर नहीं डाला गया यस बैंक को, प्रश्न उठता है क्यों। अब कह तो ये रहे हैं कि लेंडर जो है वो यस बैंक जो है वो पूरी क्राइटेरिया उसने मैच नहीं की थी ताकि वो PC एक्शन के अंतर्गत आए, इतना बुरा इसके साथ नहीं हुआ। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट हैड इन रिसेंट ईयर्स फ्लैग्ड सेवरल कंसर्न्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले एक सालों में कुछ चिंताएं सामने पेश की, इंक्लूडिंग अ डिस्टिंक्ट डाइवर्जेंस बिटवीन द रिपोर्टेड एंड RBI ऑन फाइंडिंग्स। भाई यस बैंक ने जो अपनी रिपोर्ट की, बैलेंस शीट कैसी है और सब कुछ कैसा चल रहा है इसका, और RBI ने जो अपनी तरफ से चेकिंग की, तो उसमें दोनों में भिन्नता पाई गई, डिफरेंस पाया गया। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा मौका है कि RBI इसी चीज़ को सबूत मानते हुए PCA के अंतर्गत इस बैंक को ले आए, और ये देखे कि आखिर इस क्या हुआ ऐसा कि ये बैंक जो है अपने हाथों से निकल गया। द चॉइस ऑफ SBI एज द इन्वेस्टर, अब देखो RBI का यहाँ पर रोल ऐसे आ रहा है कि RBI ने जो है बेल आउट पैकेज अनाउंस किया और SBI जो है इसमें इन्वेस्टर होगा, पैसा असली में कौन देगा SBI, तो ये बेल आउट जो पैकेज है ये दिखाई देता है, ऐसा ये दिखलाता है, ऐसा शो होता है कि गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस की वाकई में कमी है। अब SBI जो है पब्लिक का पैसा जो है किसी और बैंक को बेल आउट पैकेज देने में जाएगा, तो पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं वो बेसिकली उनको मर्ज किया जा रहा है अभी वीक बैंक्स का साथ, आपको पता होगा अभी प्लान अनाउंस हुआ था। तो बेसिकली एक कंट्री का जो लार्जेस्ट बैंक है जो SBI है और जो आपके RBI है, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रश्न उठ रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं और कब तक ये करते रहेंगे। यस बैंक के जो डिपॉजिटर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सुकून मिला सुन के कि चलो ठीक है, कम से कम यस बैंक में पैसा तो आ रहा है, हमारा पैसा सुरक्षित है। लेकिन अभी जो है सब कुछ सोल्व नहीं हुआ, इंडियाज बैंकिंग सेक्टर इज स्टिल फार फ्रॉम आउट ऑफ वुड्स, इंडिया का बैंकिंग सेक्टर अभी भी फंसा हुआ है। क्लियरली स्पष्टतया द RBI एंड द सेंटर हैव टू देयर टास्क कट आउट इन इंश्योरिंग दैट द नीड फॉर सच बिल आउट्स इज ओबिएटेड। RBI और सेंटर को दोनों को मिलकर अपना टास्क देखना चाहिए ताकि बेल आउट्स की जरूरत दोबारा ना पड़े। कब तक बेल आउट्स देते रहोगे, कब तक पब्लिक का पैसा इन बैंक्स में डालते रहोगे, NPA बढ़ा ही क्यों, बैड लोन बढ़ा ही क्यों, जब उन कंपनियों को लोन देना ही क्यों शुरू किया जिनकी चुकाने की बस की नहीं थी। लेकिन ये देखे कौन, इतना सिंसियरिटी किसके पास है, ना गवर्नमेंट ये देख रही ना RBI ये देख रही। RBI के ऊपर भी काफ़ी प्रश्न उठ रहे थे पिछले कुछ सालों से जब NPA बढ़ रहा था, कि RBI एज ए रेगुलेटर फेल हो चुका है क्या, RBI ने क्या किया है। चलो ठीक है, गवर्नमेंट की तो मानते हैं कि गवर्नमेंट ने तो नहीं किया, लेकिन RBI एज ए रेगुलेटर RBI ने क्या किया, है ना। मेकिंग द इन्वायरमेंट कंड्यूसिव फॉर जस्टिस, दिल्ली दंगों पे बात हो रही है, राइटर कह रहे हैं कि मैं जली हुई दुकानों पे, बिल्डिंग्स पे गया, हर गली में गया, बहुत ही भयानक यहाँ पे माहौल बना हुआ है, प्रॉपर्टी को रिस्टोर किया जा सकता है, कैन लाइफ बी रिस्टोर्ड, क्या जिंदगी को वापस ला सकते हो, जो 50 लोग जो इन दंगों में मारे गए। अब मैं बहुत नफरत करता हूं उन लोगों से जो इन 50 लोगों में भी हिंदू मुसलमान कर रहे थे, जो कह रहे थे कि हिंदू ज़्यादा मरे हैं मुसलमान ज़्यादा मरे हैं। अरे बेवकूफ़ो, ये इंसान तो इंसान है ना, 50 लोग जो मरे हैं वो तो थे भारतीय ही ना, हुआ तो देश का ही नुकसान, किसी ना किसी तरीके से GDP को प्रमोट कर ही रहे थे वो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। 50 लोग जो यहाँ पे दंगों में मरे हैं, जो बिल्कुल कोई बिना किसी रीजन के अपनी नफरत में घुट के वो मर गए, और उनके बच्चे, उनके सोचो कि क्या वो बच्चे जो बिना माँ बाप के हैं वो क्या
सोचेंगे इस बारे में, वो हमेशा से क्या नफरत नहीं करने लग जाएंगे इस देश से कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनको इस तरीके का झेलना पड़ा, उनका घर जला दिया गया उनके सामने, ये न्याय है कि अन्याय है? इज मॉनेटरी कंपनसेशन गुड इनफ टू एलिविएट द पेन? क्या मॉनेटरी कंपनसेशन जो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है क्या वो काफ़ी है दर्द को भगाने के लिए और उन सफरिंग्स को भगाने के लिए जो इन चिल्ड्रन और जो पेरेंट्स हैं उन वो गुजरे हैं? क्या यही ऑफर किया जा सकता है? ये प्रश्न इनके दिमाग में आ रहा था जब भी शिव विहार में जा रहे थे और अदर्स में विजिट कर रहे थे। ईदगाह की जो यहाँ पे इन्होंने विजिट की तो वहाँ पे काफ़ी डिप्रेसिंग पिक्चर नज़र आ रही थी। रिलीफ कैंप बना हुआ था, 1000% रह रहे थे कुछ लोग थे, खासकर कि सिख जो थे। मैं काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ कि काफ़ी जो मैंने देखा कि जो सिख जो थे वो काफ़ी मदद कर रहे थे, रोटी पानी और मतलब काफ़ी कुछ जो है वो वेलफेयर इस चीज़ में कर रहे थे जो चीज़ सरकार को करनी चाहिए थी, और सरकार ना दंगा रोक पा रही ना दंगा दोबारा ना हो इसके लिए कुछ कोशिश कर रही, लेकिन यहाँ पे सिख ही आए, इंसान ही आया ना आखिर बचाने को, तो क्यों करते हो हिंदू मुसलमान? अपने देश को बनाए रखो और सिखों से सीखो। एक जो ये ग्रुप हैं, कई इंडिविजुअल्स हैं, दिल्ली सरकार ने भी काफ़ी कुछ किया है यहाँ पे, एनजीओस को साथ मिला के ब्लैंकेट्स बांटे, फूड बांटे, मेडिसिंस बांटे, कंफर्ट दिया, और मीडिया सेक्शन कुछ जर्नलिस्ट थे जो कुछ पत्रकार थे जिन्होंने वहाँ पे जाके रोएट जो विक्टिम्स हैं जो दंगे प्रभावित इलाकों में जो दंगा प्रभावित लोग हैं वहाँ की उनकी स्टेटमेंट ली। होपफुली आशा करते हैं ऐसे जो स्टेटमेंट्स आई वो एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन पे काम आएंगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और जो भी असिस्टेंस विक्टिम्स को दिया जा सकता है एज अ वे ऑफ रिहेबिलिएशन कि आप अपने घर पे लौट जाओ, वो एनजीओस के द्वारा दिया जा रहा है और इंडिविजुअल्स के द्वारा दिया जा रहा है, लिटिल बाय वेलफेयर स्टेट, सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा। बट द ब्लेम गेम फॉर द राइट्स हैज़ ऑलरेडी बिगेन, ब्लेम गेम शुरू हो चुका है और इस ब्लेम गेम में जो है ये चलता रहेगा जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरे नहीं हो जाते, जब तक कमीशन ऑफ इंक्वायरी अपनी रिपोर्ट नहीं दे देता। एक कंक्लूजन तो यहाँ पे साफ दिखाई देता है कि इफ़ समवन इन द एग्जीक्यूटिव हैड एन आइडिया ऑफ गुड गवर्नेंस एंड इफ द एस्टेब्लिशमेंट हैड टेकन प्रॉम्प्ट एक्शन, सरकार में अगर किसी भी व्यक्ति को गुड गवर्नेंस का आइडिया होता, या अगर किसी भी पुलिस ने, सरकार ने, दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलके अगर प्रॉम्प्ट एक्शन लिया होता तो जाने कितनी जिंदगियां बच्चों की होती और डैमेज टू प्रॉपर्टी नहीं होता। द ब्यूरोक्रेटिक इनएप्टीट्यूड ऑफ अथॉरिटीज़ ने यहाँ पे जिस तरीके से इनएप्टीट्यूड दिखाया, और अथॉरिटी एंड इनएप्टीट्यूड जो ऊपर से जो सरकार का इनएप्टीट्यूड था, दोनों की वजह से यहाँ पे खून खराबा हुआ जो ना केवल एक दिन नहीं बल्कि 3-3 दिन तक चलता रहा। इट सीम्स दैट एस्टेब्लिशमेंट कंसिस्टिंग ऑफ द पुलिस एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये सब थे, सरकार थी, पुलिस थी, सब ने मिलकर जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। और क्या किसकी जॉब है ये भाई? प्रोटेक्ट करना सबसे पहली प्राइमरी जॉब है स्टेट की और पुलिस की। पुलिस कह रही थी हमको ऑर्डर नहीं आया ऊपर से, अरे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना आपका प्राइमरी जॉब है, चाहे वो ऊपर से आए ना आए ऑर्डर, ठीक है? तो ये सब कुछ देखा गया। राइटर कह रहे हैं कि मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ और मैं जो है देखा था किस तरीके से जस्टिस सिस्टम की भी काफ़ी एब्सेंस थी यहाँ पे, क्योंकि कानून ये कहता है कोई भी जो विक्टिम है, जो चाहे जिसके ऊपर डिजास्टर आया हो, चाहे उसके ऊपर एथनिक वायलेंस हुई हो, उसको लीगल सर्विसेज दी जाएगी कंपनसेशन के लिए। और इसके तहत पार्लियामेंट में कानून भी अनाउंस किया गया था जिसमें नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी थी और स्टेट्स में स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी थी, तो दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसको दंगों के बाद फटाफट एक्शन में आ जाना चाहिए था और लॉयर की हेल्प देनी चाहिए थी विक्टिम्स को ताकि उनको कंपनसेशन प्राप्त हो और किसी पे केस दर्ज कराना चाहे तो वो कर सकते हैं। लेकिन कहाँ थी ये अथॉरिटी? जस्टिस एक स्लोगन नहीं है, एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, जस्टिस को करना पड़ेगा। यहाँ पे दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी ने 5 हेल्प डेस्क डाली, लॉयर गए, ये जो राइटर है गए विजिट करने, तो वहाँ पे इन्होंने देखा कि लॉयर्स को खुद को जो है हेल्प चाहिए थी, उनको खुद को नहीं पता था कि उनकी क्या जिम्मेदारी है। हाँ, राइटर कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो लॉयर्स गलत कर रहे थे, वो सही कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो रिपोर्ट आएगी दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी की वो यही कहेगी कि बहुत कुछ किया गया रोएट विक्टिम्स के लिए, जबकि रियल क्या है? कुछ भी नहीं हुआ। द दिल्ली हाईकोर्ट
एक्टेड इमीडिएटली व्हेन अप्रोच्ड फॉर अ रिलीफ. दिल्ली हाई कोर्ट ने फटाफट रिलीफ के तहत काम किया, उसी दिन काम किया जिस दिन दंगे हुए थे. जस्टिस मुरलीधर, जिनका नाम आपने सुना होगा, जिनका फेयरवेल अब हो चुका है दिल्ली हाई कोर्ट से, बेसिकली देर रात तक उन्होंने सुनवाई की और कहा कि विक्टिम्स को रिलीफ दिया जाए. और प्रश्न यहाँ पे खड़ा होता है कि जिम्मेदारी किसकी है, एस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया. और अगले ही दिन तो वहाँ पे जो है वापस सुनवाई हुई, जिसमें यहाँ पे बात की जा रही है सेंटिनल ऑन द क्विवीवी. क्विवीवी मतलब अलर्ट रहना, सेंटिनल मतलब सिपाही, सिपाही. तो हमारे देश में सेंटिनल ऑन द क्विवीवी कहते हैं हमारे कोर्ट को, सेंटिनल यानी सिपाही जो अलर्ट रहता है. सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा, अगले दिन जब जस्टिस मुरलीधर ने सुनवाई की, फेयरवेल हुआ, तो नए जजेस के पास केस गया. उन्होंने कहा कि FIR रजिस्टर करने का माहौल सही नहीं है. यहाँ पे 6 वीक्स के लिए इन केसेस को एड जोन किया जाता है. तारीख जो है 6 वीक्स के बाद डिसाइड की जाएगी, मतलब 6 वीक्स के बाद इस पर सुनवाई की जाएगी. 6 वीक्स, और चलो ठीक है 6 वीक्स दिया. यहाँ पे रीजन क्या दिया जा रहा है कि माहौल सही नहीं है FIR रजिस्टर करने का. इमेजिन करो कि किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुई है, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, पुलिस स्टेशन जाता है कहता है हमको FIR रजिस्टर करनी है, और थाना अधिकारी अगर ये कहता है कि इन्वायरमेंट अभी सही नहीं है क्योंकि आप जो है वापस वायलेंस फेस कर सकते हो, तो क्या ये आपको चौंकाएगा नहीं. वैसे ही जो है दिल्ली हाईकोर्ट के साथ हुआ, इन्होंने कहा 6 हफ्ते बाद FIR रजिस्टर किया जाए क्योंकि माहौल सही नहीं है, दंगा वापस हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को कहा भैया कुछ तो अर्जेंसी दिखाओ, इस तरीके से कैसे जो है लोग सुप्रीम कोर्ट में आएंगे. हैं लोग सुप्रीम कोर्ट में आते जाएंगे ऐसे तो FIR की जो रजिस्ट्रेशन है वो ज़रूरी होती है. और इस अगर FIR की रजिस्ट्रेशन होती है तो इन्वेस्टिगेशन भी होता है, अगर कोई FIR नहीं होती तो इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होता. और जितने भी केसेस बनते हैं यहाँ पे, जाने कितने केसेस हैं जिनमें कोर्ट्स ने कहा है कि FIR में डिले क्यों हुआ है, और डिले में एक्सप्लेन किया गया है पुलिस के द्वारा, लेकिन कई में जो एक्सप्लेन नहीं किया गया, ये दिखाता है कि FIR को लेकर हमारी इम्पोर्टेंस कितनी है. मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन इज द कलेक्शन ऑफ एविडेंस. कभी भी अगर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तो उसमें सबूत की ज़रूरत होती है. दंगा जहां हुआ वहां पे कितने बम ब्लास्ट हुए, क्या निशान है, क्या धब्बे हैं, दुकानें कितनी जली हुई है. और अगर 6 वीक का समय कोर्ट के द्वारा दिया जा रहा है तो इन सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है. और जो गवाह हैं इस गुनाह के, दंगों के जो गवाह हैं जिन्होंने आंखों देखी देखी थी, उनको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है. और बेसिकली जो एक्यूज्ड पर्सन है, अगर समय पर ये हो जाए, अगर समय पर सब कुछ हो जाए, तो एक्यूज जिस पे आरोप लगा है उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है. लेकिन इतना टाइम जब अगर लगता है तो यहाँ पे 4 वीक्स के अगर FIR डिले होता है तो एक स्मार्ट जो एक्यूज होता है, जिसको पावरफुल है, जिसके ऊपर आरोप लगा है कि इसने दंगा भड़काया है, वो अपनी पावर के जरिए एविडेंस मिटा सकता है और विटनेस को जो है इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसको धमकी दे सकता है, उसको जो है इन्फ्लुएंस कर सकता है, पैसा दे सकता है, कुछ भी कर सकता है. तो इवेंचुअली जो है ये पुलिस जो है FIR रजिस्टर अगर 4 वीक बाद कर भी लेगी तो उसमें साफ दिखेगा कि किसी ने कुछ भी नहीं किया क्योंकि सारे सबूत मिट चुके होंगे. वुड दिस बी क्लासिफाइड एज जस्टिस और इनजस्टिस, क्या ये न्याय है कि अन्याय है, ये आप बताइए. जुडिशरी की मॉरल अथॉरिटी क्या है, रोल ऑफ जुडिशरी इन रॉयड सिचुएशंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. रॉयड सिचुएशन में जुडिशरी की रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है. सिचुएशन को चाओस में बदलने से पहले जुडिशरी अपने एक्शन में आके सुमोटो अपनी तरफ से केस लेके सब कुछ सोल्व कर सकती है, क्योंकि ना इस पर सरकार का प्रभाव होता है, ना ये किसी की सुनती है, ना ये जनता की सुनती है, ना ये सरकार की सुनती है. इसको जजमेंट देना होता है तो ये देती है. ये केवल और केवल पब्लिक ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस और पावर ऑफ मॉरल अथॉरिटी पर रहती है. लेकिन अब जुडिशरी जो कहती है, जुडिशरी जो करती है, बहुत इन्फ्लुएंस इसका होता है और कभी भी ये भूला नहीं जाता जुडिशरी ने जो भी कहा. इन ऐसी सिचुएशंस में, दिल्ली दंगों में, ऐसे एक्शन की जरूरत होती है. जुडिशरी से जो आशा की जाती है उसको आशा वो पूरी की जाए. लेकिन जुडिशरी यहाँ पे अगर एडजोनमेंट देगी, अगर हीरिंग्स की डिले करेगी, सुनवाई अगर डिले करेगी, जिसको एडजोनमेंट कहते हैं, तो यहाँ पे फिर जो है और ऐसे कहेगी कि इन्वायरमेंट कंड्यूसिव नहीं है FIR रजिस्टर करने का, तो विश्वास पब्लिक का कोर्ट पर से उठता जाता है. और कोर्ट के द्वारा कोई भी इंटरवेंशन हो तो यहाँ पे इन्वायरमेंट कंड्यूसिव बन जाता है. और आप देखोगे कि बेसिकली कोर्ट को यहाँ पे इंटरवेंशन करना ही चाहिए, जो करती नहीं है.
और ऐसा करेगी तो यहाँ पे इन्वायरमेंट कंड्यूसिव बन जाता है, लोगों को शांति मिलती है, पुलिस एक्शन में आती है, अकाउंटेबिलिटी तय होती है, जब कोर्ट एक्शन में आता है, पर कोर्ट ने तो 4 वीक का समय दे दिया यहाँ पे। द कॉलोनियल बिलीफ, जो हमारा अंग्रेजों के टाइम का विचार है कि कोर्ट्स को रिएक्टिव होना चाहिए, रिएक्शन देना चाहिए किसी भी स्थिति पे, ये भूल जाओ, कोर्ट्स को अब प्रोएक्टिव होना चाहिए, सामने से आके जो है वकालत सामने से आके काम करना चाहिए, वरना जो इमरजेंसी वाला एडीएम जबलपुर वाला केस हुआ था जिसमें कोर्ट ने साफ कह दिया था कि यहाँ पे इमरजेंसी के टाइम पे राइट टू लाइफ भी आपका हक नहीं है, आर्टिकल 21 भी आपका हक नहीं है, ये केस आज भी लोगों के दिलो दिमाग में हॉन्ट करता है और ये केस की वजह से सुप्रीम कोर्ट पे धब्बा लगा था। सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि इस केस की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हमको फेस करनी पड़ी थी और ये केस दिमाग में बार बार आते हैं, अगर कोर्ट्स एक्ट नहीं करते तो प्रोसिक्यूशन जो है क्रिमिनल जस्टिस का लास्ट चैप्टर है, यानी कि सब कुछ हो गया उसके बाद जो है गिरफ्तारी जो होती है वो सबसे मेन चीज़ होती है। पुलिस ने फ्रीडम ऑफ स्पीच और हेट स्पीच को बिल्कुल मिला दिया, आप कुछ बोलोगे तो उसको पुलिस अपने हिसाब से हेट स्पीच बता देगी और जो वास्तव में हेट स्पीच देता है उसका कुछ भी नहीं होता। दिल्ली में जो नारे लगे, बयानबाजी हुई कई लीडर्स के द्वारा, आपको पता है किस किस ने लगाए थे, ये सीडिशियस तो नहीं कह सकते लेकिन हेट स्पीच आप उसको कह सकते हो। अच्छा, सीडिशन और हेट स्पीच में आपको अंतर बता दूं, सीडिशन वो होता है जिसमें आप सरकार के खिलाफ बोलते हो, हेट स्पीच वो होता है जिसमें आप दो कम्युनिटी के बीच में दंगा भड़काते हो, वायलेंस पैदा करते हो, नफरत फैलाते हो, तो यहाँ पे सीडिशियस तो नहीं कह सकते उनके बयान लेकिन हेट स्पीच जरूर कह सकते हैं। और यहाँ पे जो कमज़ोर लोग हैं उनको सीडिशन के नाम पे बंद कर दिया जाता है, कैद किया जाता है, जबकि जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं जो इन्होंने किया था वास्तव में उनको जो है कुछ भी नहीं किया जाता। सीडिशन का मतलब क्या होता है कि जब आप कुछ ऐसा करो जिसकी वजह से वोइलेंस फैले, ये तो बिल्कुल भी जो है हो ही नहीं रहा ऐसा कि कमज़ोर लोगों की वजह से जो वास्तव में ऐसा सीडिशन स्पीच दिया गया हो, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग है जो यहाँ पे लीडर्स हैं वो ऐसे स्पीच दे रहे हैं कि उनको ना बुक किया जाता, ये एक प्रश्न उठता है कि क्या ये जो वास्तव में गुनहगार है दिल्ली दंगों के, उनको कभी आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको कभी बुक किया जाएगा, और बुक भी किया गया तो क्या उनको कभी पनिश किया जाएगा। हमारे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को 35 साल लग गए 1984 के दंगों का गुनहगार को पकड़ने के, ढूंढने के, क्या हमारा सिस्टम कभी इनके गुनहगारों को ढूंढ पाएगा? बट हु केयर्स, कौन चिंता करता है इनकी, पब्लिक तो हिंदू मुसलमान करने में लगी है, पब्लिक तो दंगों में भी हिंदू मुसलमान कितने मरे वो ढूंढने में लगी है, पब्लिक तो उसको भी जस्टिफाई कर रही है कि सही हुआ दंगा, सरकार भी जस्टिफाई कर रही है। अरे प्रश्न उठाओ सरकार पे, चाहे दिल्ली सरकार हो केंद्र सरकार हो, क्या है अकाउंटेबिलिटी बताओ, जिम्मेदार भाई जिम्मेदार कौन है, दिल्ली सरकार है तो दिल्ली सरकार को बताओ, केंद्र सरकार है तो केंद्र सरकार को बताओ, पुलिस है तो पुलिस बताओ, जुडिशरी को बताओ, जिम्मेदार है कौन, कुछ तो तय हो अकाउंटेबिलिटी। फाइनल थॉट्स, विचार ये हैं राइटर के कि हमारा प्रीएम्बल पढ़िए कॉन्स्टिट्यूशन का और जो हमारे 4 क्रूशियल वर्ड्स हैं उनको अप्रिशिएट कीजिए, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। न्याय, आज़ादी, बराबरी और भाईचारा, क्या हम इन सब का सेंस निकाल पा रहे हैं या कुछ का तो निकाल पा रहे होंगे या बिल्कुल भी निकाल नहीं पा रहे होंगे, ये प्रश्न यहाँ पर राइटर के द्वारा पूछा जा रहा है। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट ये जज ये है रिटायर्ड। मॉनेटरी पॉलिसी कैंट कॉम्बिट द COVID-19 इम्पैक्ट। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, ऊपर से बता देता हूँ, ये देखो आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है कि देखो कोरोना वायरस की वजह से, COVID-19 की वजह से इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब इकोनॉमी में इम्पैक्ट इस वजह से पड़ रहा है कि जो चाइना से जो सप्लाई आती थी वो रुक गई, चाइना के व्यापार रुक गए, तो सप्लाई साइड पे इफेक्ट पड़ रहा है। अब न्यूज़ में क्या आया कि हाल ही में US का जो, जैसे हमारा RBI है सेंट्रल बैंक, वहाँ का सेंट्रल बैंक के फेडरल रिजर्व, तो फेडरल रिजर्व जो है वहाँ के जो फेडरल बैंक है US का, उसने रेट कट किया है, जो आप रेपो रेट और ये सुनते हो ना, वो वहाँ की भी जो रेट है उसने कट किया है। अब उसका प्रभाव बाकी दुनिया पे क्या पड़ेगा, उसका प्रभाव ये पड़ेगा कि जब सेंट्रल बैंक अगर ऐसा कर रहा है US का, तो बाकी बैंक्स भी उसको फॉलो करते हैं। और रेट कट करने का असलियत में मतलब क्या होता है, मतलब रेट कट करने का मतलब ये है कि अब सेंट्रल बैंक से सस्ते में और बैंक लोन ले सकते हैं और बदले में अपने कस्टमर्स को वो सस्ते में लोन दे सकते हैं, बिल्कुल चीप रेट में, चीप इंटरेस्ट रेट में। इससे क्या होता है, ना केवल लोग उत्साही होते हैं बल्कि इंटरेस्टेड होते हैं लोन खरीदने के, लोन लेने के, और वो जाके फिर इन्वेस्ट करने लगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको जो लोन चुकाना है बैंक को काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट में चुकाना है।
हाल ये हुआ कि फेडरल रिजर्व ने रेट कट किया इस मकसद से कि लोन लोग आएंगे, लोन लेंगे और लोन लेके इन्वेस्ट करेंगे। जबकि मैंने आपको प्रॉब्लम शुरू में आर्टिकल में क्या बताया था कि दिक्कत है सप्लाई साइड में। भाई यहाँ पे मास्क नहीं आ रहे, फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री दवाइयों के रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, ऑयल की सप्लाई डिस्टर्ब हो रही है, सप्लाई साइड में दिक्कत हो रही है। जबकि जो लोन लेने वाले हैं वो डिमांड साइड वाले होते हैं। भाई मैं अगर लोन लूँगा, मैं कहीं अगर कुछ इन्वेस्ट करूँगा, कुछ करूँगा, तो ये तो मेरी, मैं कुछ अगर कार लूँगा, हाउस लूँगा, ठीक है, तब तो ये डिमांड साइड वाली हो गई। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा भाई, कार बननी भी तो चाहिए ना, कंस्ट्रक्शन सेक्टर घर बनने भी तो चाहिए, इतना सीमेंट आनी भी तो चाहिए ना, आ नहीं रही, सप्लाई चेन रुकी हुई है। अब आप बोलोगे कि जो दुकानदार है वो भी तो लोन ले सकते हैं, वो पैसा लेके सीमेंट वगैरह ले आएंगे, पर वो लाएंगे कहाँ से, सप्लाई साइड तो रुकी हुई है, ग्लोबल वैल्यू चेन तो रुकी हुई है। $50 बिलियन का नुकसान हमको कोरोना वायरस से जो ओवरऑल जो हुआ है पूरी दुनिया में, एक्सपोर्ट्स में जो नुकसान पहुंचा है, जबकि अगर मैं पूरी दुनिया की ट्रेड की अगर बात करूं एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट टोटल 19 ट्रिलियन का होता है, $19 ट्रिलियन, जिसमें से 50 बिलियन का नुकसान हुआ है। समझो मेरी बात को, 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होते हैं, 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होते हैं। अगर 19 ट्रिलियन में से 50 बिलियन का नुकसान हो रहा है तो आपको लगेगा अरे इतना सा ही नुकसान बस, जबकि ये तो शुरुआत है, डर इस बात का है। हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता कि यूएस के तो फेडरल बैंक ने रेट कम कर दी फटाफट। हमारे देश में प्रॉपर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है और उसमें 3 RBI के मेंबर होते हैं, 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर होते हैं और RBI के जो गवर्नर है उसके चेयरमैन होते हैं इस कमेटी के, तब जाके हमारी रेट डिसाइड होती है। और रेट कट करने से पहले भी जो है हमको देखना पड़ता है देश में इन्फ्लेशन कितनी है। हमारे देश में महंगाई आपको पता है बहुत ज़्यादा हो रही है, महंगाई होने की वजह से अगर RBI लोन सस्ता देगी और बैंक वाले RBI से लोन सस्ते में लेके अपने कस्टमर्स को सस्ते में बेचेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा लोग अगर लोन लेंगे, लोगों के हाथ में अगर पैसा गया, डिमांड बढ़ी तो प्राइस बढ़ी, महंगाई जितनी थी उससे और बढ़ जाएगी। तो हमारे देश में ये स्थिति है। एक चीज़ यहाँ पर राहत की आप महसूस कर सकते हो, जो मैं अपॉर्चुनिटी आपको बता रहा हूँ कोरोना वायरस से, जो दुनिया भर में जो अपॉर्चुनिटी आई है, पहली बात तो ऑयल की प्राइसेस कम हो गई, सप्लाई साइड में अगर दिक्कत आ रही है तो ऑयल की प्राइसेस कम हो गई। चाइना में बहुत हद तक ऑयल की डिमांड कम हो गई, डिमांड कम होती है तो किसी चीज़ की प्राइस गिर जाती है, और ऑयल की प्राइस गिरने का मतलब है कि हमारी महंगाई पे अब हमको सुकून मिलेगा। ये टेम्पररी रिलीफ है, परमानेंट रिलीफ क्या हो सकता है, अगर ये रिलीफ कंडीशनल है, अगर सरकार यहाँ पर आके, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया के हर देश की बात कर रहा हूँ जो चाइना पर टिका हुआ है, जो चाइना की फैक्ट्रीज पे, चाइना की बिल्कुल अंदर जो है चाइना पर डिपेंडेड है। जब ट्रेड वार हुआ था US और चाइना का, तब ये बात सामने आई थी कि चाइना में फैक्ट्री लगाना सही नहीं है और चाइना के अलावा कोई हमको दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। तो दूसरा ऑप्शन भारत नज़र आ रहा था, लेकिन भारत में मैन्युफैक्चरिंग बेस सही नहीं था तो कंपनियां वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड यहां चली गई, तो भारत को एक मौका छोड़ना पड़ा, गंवाना पड़ा एक मैन्युफैक्चरिंग बेस बनने का। लेकिन अब ये मौका दोबारा आया है जब इंडिया अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ा सकता है और रिफॉर्म्स ला सकता है, और इसकी वजह से जो कंपनियां चाइना में काम कर रही थी ग्लोबल वैल्यू चेन से जो हिट हुई हैं वो भारत में आ सकती हैं, और भारत ही नहीं बल्कि और देशों में भी जा सकती है। तो ये दो चीज़ें हमको सीखनी पड़ेगी, और इस ये अपॉर्चुनिटी का अगर हम सही से फ़ायदा उठा पाए तो मिल जाएगा, वरना कोरोना वायरस के डेंजर तो काफ़ी ज़्यादा हैं। 30 केस हमारे हो चुके हैं, भगवान से दुआ करते हैं कि अब और केसेस ना बढ़े। हालांकि मौतें एक भी नहीं हुई हैं, अच्छी बात है, गवर्नमेंट बहुत स्विफ्टली एक्ट कर रही है। कई एयरपोर्ट पे देखा गया कि चेकिंग ढंग से नहीं हो रही, कई एयरपोर्ट पे जो है चेकिंग हो रही है, तो उसका भी ध्यान रखा जाए। तो ये थी जो है हमारा आर्टिकल था, ठीक है। ये आई होप आपको समझ में आया होगा कि कोरोना वायरस या फिर किसी की डिसीज़, इस डिसीज़ की वजह से, ट्रेड वार की वजह से क्या क्या जो है नेगेटिव और क्या क्या पॉजिटिव हमको देखने को मिले। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो, उस पर बैन जो RBI ने लगाया था वो सही नहीं है, और इसका जो बैन है उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। हुआ क्या था, RBI ने 2018 में कहा था कि जो वर्चुअल करेंसी, अब वर्चुअल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में फ़र्क क्या है मैं आपको बताऊंगा। वर्चुअल करेंसी बेसिकली जो है, और क्रिप्टो करेंसी है, उन पर जो है ट्रेड जो हो रहा है वो बिल्कुल बंद कर दिया था। मतलब ये था, ट्रेड क्या होता है, मतलब जो आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा या और किसी क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना होगा, जिसमें का लोग उसको ख़रीद लेते हैं, और जब उसकी, जैसे डॉलर को लोग ख़रीद लेते हैं, डॉलर की कीमत जब बढ़ जाती है तो उसको बेच देते हैं,
तो डॉलर तो फिर भी चलो रेगुलेटेड है यूएसए के सेंट्रल बैंक के द्वारा, ये जो क्रिप्टो करेंसी होती है ना इसका कोई भी बैंक के द्वारा रेगुलेटेड नहीं है, ये केवल एक कंप्यूटर सिस्टम है जो इंडिविजुअल्स के पास होता है वहाँ पे रेगुलेट होती है, और कोई भी कौन सा ट्रांजेक्शन कौन कर रहा है एनोनिमस रहता है, किसी को कुछ पता नहीं रहता। ये बिटकॉइन पूरी वर्चुअल करेंसी है, बिटकॉइन की जैसी कई क्रिप्टो करेंसीज हैं ये कंप्यूटर सिस्टम पे रेगुलेट होती हैं, कोई यहाँ पे इनको सेंट्रल बैंक रेगुलेट नहीं कर सकता, किसी का कोई यहाँ पे ट्रांजेक्शन को देख नहीं सकता कौन कितना पैसा भेज रहा है, सब कुछ एनोनिमस है, चोरी का खतरा भी नहीं है, स्कैम का खतरा भी नहीं है, लेकिन सब कुछ एनोनिमस है तो फिर भी दिक्कतें तो आती हैं। वर्चुअल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में क्या फ़र्क है? देखो वर्चुअल करेंसी जो है आपकी, जैसे आप गूगल पे पैसा भेजते हो तो वो आपकी वर्चुअल करेंसी है, आप पेटीएम करते हो तो वर्चुअल करेंसी ही हो, लेकिन क्रिप्टो करेंसी जो है उसके एक अंदर का एक पार्ट है जिसपे सिक्योरिटी का लेयर जुड़ जाता है। आप गूगल पे से जो पैसा भेजते हो अपने दोस्त को या किसी को तो वो बैंकों से रेगुलेटेड है, एक बैंक में दूसरे बैंक में पैसा जा रहा है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में वो बैंकों में पैसा नहीं जाता, वो एक प्रॉपर कंप्यूटर सिस्टम में डाला रेगुलेट होता है, वो प्रॉपर सिस्टम में जाके स्टोर होता है, और कंप्यूटर सिस्टम कुछ इंडिविजुअल्स के पास होता है और उनको किसी भी सेंट्रल बैंक का उस पर हक नहीं होता। तो क्रिप्टो करेंसी बहुत ही अलग चीज़ हो गई, वर्चुअल करेंसी ओवरऑल एक अम्ब्रेला टर्म हो गई, उसके अंदर का एक पार्ट क्रिप्टो करेंसी है जो काफ़ी सिक्योर है, समझ रहे हो? तो आरबीआई ने पहली बात तो उस पर बैन क्यों लगाया था, क्योंकि ये बैंक के द्वारा रेगुलेट नहीं होता, वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, देखा गया कि कीमत एक साथ इन करेंसी की बढ़ती है फिर गिर जाती है, तो यहाँ पे प्रॉपर जो है इसका सिस्टम नहीं है, प्रोबेबिलिटिक नेचर है इसका, एनोनिमस है क्योंकि पता नहीं चलता कि कितना जो है यहाँ पे कौन कर रहा है ट्रांजेक्शन, हो सकता है ब्लैक मनी हो सकती है कि टेररिस्ट फंडिंग भी आ जाए, लेकिन यहाँ पे जो आप पूरी दुनिया जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी पे काम ले रही है, यूरोप काम में ले रहा है, उससे सुप्रीम कोर्ट ने सीख लेके कहा आरबीआई को कि जब पूरी दुनिया इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकती है आप नुकसान को रोक नहीं सकते, इसके लिए आप फ़ायदा भी लेने से मना कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए कहा आरबीआई को कि आपने गलत किया, और सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के सर्कुलर को जो है बंद कर दिया, कहा कि ये जो आपका एक्शन था आरबीआई का ये प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट पास नहीं कर पाया। प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट क्या होता है? हमारे संविधान के आर्टिकल 19 क्लोज 1 और जी में ये कहा गया है कि यहाँ पे जो आपका फ्रीडम ऑफ ट्रेड और ऑक्यूपेशन है वो हट नहीं होना चाहिए। अब जो प्रोफेशनल, अब आप अगर वर्चुअल करेंसी में ट्रेड नहीं करोगे, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में काम में नहीं ले सकते, तो आपका जो आर्टिकल 19 है जो ट्रेड करने का, हो सकता है कि मेरा धंधा ही अगर क्रिप्टो करेंसी में हो तो मेरा तो धंधा बर्बाद हो गया ना, तो मेरे तो आर्टिकल 19 का इन्फ्रिंजमेंट हो गया, वॉयलेशन हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 19 का वॉयलेशन करता है आपका सर्कुलर, इस वजह से जो है इसको बंद कर देना चाहिए। हालांकि कई लोग क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है समझती नहीं है क्रिप्टो करेंसी, कुछ लोग आरबीआई का भी कर रहे थे कि आरबीआई जो है बैंकों को तो संभाल नहीं पाई और क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है, जो उसको रेगुलेट करने के दिया है उसको तो रेगुलेट तो कर नहीं रही, बेल आउट पैकेज दिलवा दो, बाकी जो है इसको रेगुलेट करना है। तो ठीक है, कुछ फर्म्स को रिलीफ मिला क्योंकि वो वर्चुअल करेंसी पे काम करते थे। वॉलेटिलिटी इन क्रिप्टो करेंसीज में काफ़ी ज़्यादा है, एनोनिमस है, इनका पता नहीं चलता कि जो है कौन इसको रेगुलेट कर रहा है, कौन ट्रांजैक्शन कर रहा है। भारत ने भी एक बार सोचा था कि खुद की जो है डिजिटल रुपी नाम की ऑफिशियल करेंसी निकाल दे, लेकिन बाद में जो है ऐसा नहीं हुआ क्योंकि रेगुलेट करने में दिक्कत आ रही थी। बहुत कहना आसान है लेकिन करना कठिन है इसको रेगुलेट करना। तो क्रिप्टो करेंसी की अगर मैं बात करूँ तो इससे टेरर फंडिंग भी हो सकती है और काफ़ी ज़्यादा गलत काम भी हो सकते हैं, तो ये चीज़ें जो है देखनी जरूरी है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर, सेंट्रल बैंक कुछ भी नहीं कर सकता, क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल एनोनिमस है, यहाँ पे क्रिप्टेड है, इनक्रिप्टेड है वो, ठीक है, तो ये दिक्कतें तो हैं ही, खैर इसकी कुछ एडवांटेज भी है ना, तो ये सब हमको देखने पड़ेंगे। अब ये टास्क सरकार के लिए, आरबीआई के लिए देखना पड़ेगा किस तरीके से काम होता है। अच्छा, ऑपरेशन ट्विस्ट मैं आपको बता दूं जो इस आर्टिकल में आया था। ऑपरेशन ट्विस्ट बेसिकली क्या है? ऑपरेशन ट्विस्ट आरबीआई के द्वारा एक ऑपरेशन ट्विस्ट हुआ था जिसमें वो क्या किया था उसने, शॉर्ट टर्म जो बॉन्ड्स हैं, शॉर्ट टर्म जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको बेच के लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ उसने खरीद ली। जैसे जो 2-3 साल के टर्म के लिए जो बॉन्ड्स हैं उसको उसने बेच दिया सिक्योरिटी, और 5-6 साल या 10 साल वाली उसने खरीद ली। अब कोई चीज़ अगर खरीदते हैं अपन एक साथ तो उसकी डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो उसकी जो है यहाँ पे, अब आप देखोगे कि अगर मैं यहाँ पे एक साथ अगर ये सिक्योरिटीज़ खरीद लूँ तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और मैं अगर शॉर्ट टर्म की जो सिक्योरिटियों को बेच दूँ तो उसकी डिमांड घट जाएगी, तो जो लॉन्ग टर्म जो सिक्योरिटीज़ उनकी इंटरेस्ट रेट आराम से घट जाएगी और इस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें सॉल्व हो जाएगी। तो ऑपरेशन ट्विस्ट जो है याद रखना, जिसमें शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ को बेच के लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को आरबीआई खरीद रहा था, बस इतना याद रख लो, ठीक है? तो गाइस ये थी हमारी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।